हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल आओ देखें में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बैंगन की मिठास से भरपूर सब्जी बनाने वाली हूँ। इसे बनाने के लिए हमें जिन सामग्री की जरूरत पड़ेगी, आइए देख लेते हैं। 3 बैंगन लिए हैं हमने और 1 कटोरी चावल का आटा लिया है। अदरक, लहसुन और जीरे का पेस्ट लिए हैं। आधी कटोरी बेसन लिए हैं। स्वाद अनुसार नमक लेंगे और हल्दी पाउडर ले लेंगे। बैंगन को इस तरह से गोल गोल काट कर धो लेंगे। अब बैंगन में चावल का आटा डाल देंगे। बेसन का आटा डालेंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अदरक, लहसुन और जीरे के पेस्ट को भी डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। सभी सामग्रियों को मिलाकर हमने बैंगन को तैयार कर लिया है। अब एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे और तेल के गरम हो जाने के बाद इस तरह से उसमें बैंगन को डाल देंगे। जब बैंगन एक तरफ से पक जाए तो इसे इस तरह से पलट देंगे। और दूसरी साइड से भी इसे अच्छी तरह से ब्राउन कलर के होने तक पका लेंगे। ये देखिए, बैंगन अब हमारी पक गई है। अब इसे निकाल लेंगे। और इसी तरह से बाकी बैंगन को भी तल लेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान होता है दोस्तों। इसे बहुत ही कम समय में बना सकते हैं हम और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है दोस्तों। दोस्तों, हमारी ये सब्जी बनकर तैयार हो गई है। आपको यह बैंगन फ्राई की रेसिपी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।